Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk about vegetation of Pakistan. So, in previous video, I am also talked about physiography. In physiography, we studied about Pakistan's plateaus, mountains, and plains. Then we also talk about climates. Now, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेजिटेशन के बारे में. और वेजिटेशन का मतलब होता है जिंदगी जो है किसी भी जगह में जो नबातात की जो पाए जाते हैं. ठीक है, कि एक जगह जो जो भी नबातात पाए जाते हैं उनको वेजिटेशन कहते हैं. जैसे जो भी पौधे दरख्त जो है ना वो किसी एक जगह पाए जाएंगे. और इसी तरह हम जो है ना बात करें वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जो है ना वो कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है. तो कंटेंट में यही है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन में यही होता है कि पाकिस्तान एक गॉड गिफ्टेड प्लेस है, इसमें जो है ना हर किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि इसके मौसम जो है ना तकरीबन हर किस्म का मौसम यहाँ पे पाया जाता है इसलिए. दूसरा देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके. तीसरा फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान, और देन बुक्स वगैरह जो रिकमेंड की जाती हैं. अब अगर इंट्रोडक्शन में सिंपली आप देखें तो कहता है कि वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन डिस्कस इन लैंड ऑफ अवर बिलव्ड होम इज फुल ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, कि फुल ऑफ वेजिटेशन है, इंक्लूडिंग ट्रीज हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब्स हैं. श्रब्स होती हैं जी ये जिनको हम कहते हैं झाड़ियाँ, हर्ब्स जो बिल्कुल जड़ी बूटियाँ, ग्रासेस जो बिल्कुल ये घास वगैरह, एपीफाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं, लाइकन्स होते हैं जिसमें एलजी और फंजाई दोनों कंबाइंड मिल के रहते हैं. देन एलजी भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक्स हैं, पानी में मोस्टली पाए जाते हैं. एंड मोसेज जो हैं वो ब्रायोफाइट्स में आते हैं. यानी ये सारे टोटली प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही हैं, ये प्लांट्स की ही टाइप्स हैं. ये लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर इफेक्ट, अब जो ज़्यादातर नंबर जो है ना वो इफेक्ट करते हैं एक वेजिटेशन को, असर करते हैं उन पर, सच एज जैसे कि क्लाइमेट, उसका आबो हवा कैसा है, उस रीजन का ऑर्गेनिज्म वहाँ पे किस तरह पाए जाते हैं, टोपोग्राफी वहाँ का एरिया कैसा है, ज़मीन कैसी है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई है या ज़्यादा माउंटेन है, प्लेन्स, सॉइल किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है. तो इन्हीं को हम जो है ना वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इस यूनिट के, तो हर एक जो यूनिट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पर्पस, कुछ एम्स होते हैं कि क्यों जो है वो यूनिट पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को. तो इसके ए टू डिफाइन द वेजिटेशन, सबसे पहले तो वेजिटेशन को डिफाइन और फिर नॉलेज हो अबाउट द वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान. टू गेट नॉलेज अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल इन पाकिस्तान, इस बारे में नॉलेज हासिल करना कि पाकिस्तान में कितने किस्म की वेजिटेशन जो है वो अवेलेबल है. और ये टू लर्न अबाउट फैक्टर डिटरमिनिंग वेजिटेशन कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एक खास एरिया में कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन कंडीशन को डिटरमिन करते हैं. तो ये हैं चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमें समझा जाएगी. अब अगर सबसे पहले देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान, कुदरती तौर पर पाकिस्तान में कौन सी जो है ना वो वेजिटेशन पाई जाती है. तो अब अगर देखा जाए तो वेजिटेशन ऑफ ए लोकल लोकल जो एक खास जगह की जो वेजिटेशन है, इट मींस इसका इसकी अब डेफिनेशन है, इट मींस दैट वेजिटेशन विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट द एड ऑफ ह्यूमन एज ट्री श्रब ग्रो एपीफाइट्स लाइकन्स एल्जी मॉसेसिड्स. जो लोकल जो कहते हैं ना कि इस टर्म का ये मतलब है कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ लोकल के एक ही एक जगह की वो वेजिटेशन जो किसी भी एड यानी मदद के बगैर खुद ब खुद जो है वो जो ग्रो करते हैं, जैसे ये हमारे जो जंगलात या हमारे जो मोस्टली होता है ट्रीज वगैरह, श्रब्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह खुद ब खुद रैपिफाइड ग्रो करते हैं. ये होता है जी कि इनको लेफ्ट किया जाता है इन अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टर्म. इस वजह से होता है क्योंकि इंसान जो होते हैं वो एक जगह को आप अबेंडन कर देते हो, आप काफ़ी टाइम के लिए उसको छेड़ते नहीं हो, उस जगह पर कुछ भी नहीं करते इंसान, तो वहाँ पर जो है ना वो वेजिटेशन आ जाती है. ये शराब हार्ब वगैरह इसको कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन का मतलब तो पहली दफ़ा बिल्कुल नहीं हो. ठीक है, तो दैट जो है ना कल्टीवेटेड मैनेज प्लांटेशन गार्डन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स डू नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो ये अगर डिफरेंस हो गया कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं इंसानों के जो अमल दखल के बगैर, ठीक है, विदाउट द एड ऑफ ह्यूमंस, इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. और जो हम ग्रो करवाते हैं यानी हम जो प्लांटेशन करवाते हैं जिसमें गार्डन्स हैं और ऑर्चिड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको
फिर नेचुरल वेजिटेशन नहीं कंसीडर किया जाता। अगर एक इकोसिस्टम में आप देखें तो वेजिटेशन जो है ना असेंबल होता है, यानी वो वहाँ पे जो है ना मजमू होता है डिफरेंट नेशनल पॉपुलेशन स्पीशीज का, प्लांट स्पीशीज का, नेचुरल प्लांट स्पीशीज का। हाईली जनरल टर्म है, डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक बोटेनिकल और जियोग्राफिकल करेक्टर। तो वेजिटेशन जो है ना, अगर इसको ब्रॉडर मीनिंग में देखा जाए तो टर्म फ्लोरा, विच रेफर्स, फ्लोरा होता है कि एक जगह पे जितने भी पौधे वगैरह पाए जाते हैं वहाँ का, फ्लोरा टू स्पेसिफिक स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया, कि एक एरिया में जितने भी प्लांट की स्पीशीज हैं उन सबको फ्लोरा कहेंगे, जबकि इसके ही एक मुखालिफ कंट्रास्ट वर्ड यूज होता है फौना, जो उस जगह के लिए यूज होता है जहाँ पे, जिसको चिरिंद परिंद कहते हैं, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। वेजिटेशन मोस्ट जो है ना अबंडेंट बायोटिक एलिमेंट है बायोस्फीयर का, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा जो है ना प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। अब जो है ना बायोस्फीयर में अगर स्फीयर इंपॉर्टेंट और डिफरेंट फंक्शन देखा जाए इसके वेजिटेशन के, तो फर्स्ट है वेजिटेशन कंट्रोल एंड मैनेज फ्लो ऑफ वेरियस बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, कि ये फ्लो और मैनेज करती है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल जो चलते हैं। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे वाटर है और नाइट्रोजन साइकिल है, वो जिस तरह एक साइकिल के थ्रू जो है वो पहले इन्वायरमेंट से जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म तक पहुँचते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा जो है ना वो इन्वायरमेंट तक जाते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ली, कन्वर्ट करके बैक्टीरिया वगैरह ने सॉइल में दी, वो प्लांट्स ने ली, और दोबारा जब प्लांट्स डेड होंगे तो उनको बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज करेंगे, तो वो नाइट्रोजन दोबारा सॉइल में मिक्स होकर इन्वायरमेंट में कुछ डायरेक्टली चली जाएगी। तो ये होते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। इस तरह वाटर साइकिल भी है कि पानी जो है ना एवेपोरेशन प्लांट से निकलता है या समुंदर से जो है ना वो ऑपरेट होकर दोबारा फ्लोट में चला जाता है और फिर रेन के थ्रू दोबारा वापस आ जाता है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। तो अमॉन्ग देम मोस्ट नेसेसरी एंड क्रिटिकली आर वाटर, जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये इन तीनों जो है बायो जियोकेमिकल साइकिल में आते हैं। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं जो वेजिटेशन है, लोकल एंड ग्लोबल एनर्जी बैलेंस, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये साइकिल जो है ना कंट्रोल करते हैं ग्लोबल पैटर्न ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। तो ये जो तीनों साइकिल हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये क्लाइमेट जो है वो वेजिटेशन ही एक जगह की कंट्रोल करती है। पहला ये बेनिफिट है इसका कि ये बायोजियोकेमिकल केमिकल साइकिल यानी मेन जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़ है सेकेंडली, सेकेंड है कि सॉइल करेक्टरिस्टिक जो है ना किसी भी रीजन की वो स्ट्रॉन्गली इफेक्टेड होती है बाय द वेजिटेशन ऑफ द लोकेल। तो एक जगह की जो वेजिटेशन है वो उस जगह की सॉइल क्वालिटी को, सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट अफेक्ट करती है दी सॉइल करेक्टरिस्टिक। अब इस सॉइल करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर, कि वो सॉइल बनी हुई किसकी है, सॉइल का वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या है, और उसकी केमिस्ट्री यानी उसमें जो है कौन कौन से केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं। तो ये जो है ना कुछ फीडबैक होते हैं टू इफेक्ट वेरियस जो वेजिटेशन ऑफ दैट प्लेस के, उस जगह की जो वेजिटेशन है वो इसमें प्रोडक्टिविटी और उस सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो बताती है। पहली चीज़ बायो जियोकेमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा चीज़ जो है ना क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है ना किसी भी रीजन की सॉइल की, सॉइल की करेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करती है। थर्ड पे है वेजिटेशन सर्व्स एज हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द एनर्जी सोर्स फॉर द वास्ट एरे ऑफ एनिमल स्पीशीज प्लांट्स सच एज हर्बीवोर्स। तो तीसरी चीज़ है वेजिटेशन जो है ना प्रोवाइड करती हैबिटेट, मस्कन प्रोवाइड करती है वाइल्ड लाइफ को, कि जो जंगल वगैरह में जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट एनिमल्स हैं उनको शेल्टर वगैरह जो है ना वो शेल्टर फूड वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं हर्ब्स को, यानी ईट प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स, कि जो प्लांट्स को खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। अब प्लांट्स के लिए दूसरा वर्ड प्रोड्यूसर भी यूज होता है, यानी जो ईट करते हैं एनिमल्स प्रोड्यूसर्स को उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, और जो खाते हैं टू दोज द फीड सच और कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब होता है गोश्त को, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जो है वो खाते हैं इन हर्बीवोर्स को, यानी हर्बीवोर्स पहले जानवर हैं उनको जो खाते हैं वो गोश्त खोर कहलाते हैं। तो ये थर्ड है कि ये हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ में है वेजिटेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन, तो एनर्जी का सोर्स है बहुत से जो दुनिया वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, स्पेशली जो पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट पीपल जो है ना इन ऑर्गेनिक फूड यानी ये प्लांट्स वगैरह पर डिपेंड करते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करती है। तो नंबर फोर क्या होगा कि वेजिटेशन जो है वो फूड प्रोवाइड करती है, एनर्जी का सोर्स है। स्टिल यूज ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग
देयर फार्मर्स देयर होम्स। तो और एक तो फूड, दूसरा हम इसको जो है वो फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं होम्स वगैरह को, जो घर में जो है बर्निंग वगैरह के लिए, फायर बर्न करने के लिए। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे है कि वेजिटेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। कि ऑक्सीजन जो ना बेसिक जाहिर सी बात है, प्लांट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हम ऑक्सीजन टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरह ये ऑक्सीजन का भी सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी इनके बगैर जो है हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते। तो ये प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ट्रीज ऑल्सो जो है सर्व एज कार्बन सिंक्स बिकॉज दे अब्सॉर्ब एटमोसफेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी ये चीज़ कि ये कार्बन सिंक्स भी होते हैं क्योंकि ये जो है कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, ताकि उसको जो है कन्वर्ट करके बाद में दोबारा बनाया जाए, कार्बोहाइड्रेट अपनी फूड तैयार की जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड को उस बेनिफिट ये है कि ये जब अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो उसको सॉलिड कार्बन में कन्वर्ट करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो कूलर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ता, वो रुक जाता है। तो ये भी इसका एक प्लांट का बेनिफिट ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर पे है कि वेजिटेशन वेजिटेशन इज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एज दे आर डिपेंड ऑन वेजिटेशन फॉर फूड शेल्टर एंड मेडिसिन। तो ह्यूमन जो है ना प्लांट से ही जो है फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी जो है ना हमें प्रोवाइड करती है वेजिटेशन। वेजिटेशन अब कुछ जो है ना वो माइग्रेट करती है, कंपाउंड इन्फ्लुएंस कुछ इसकी कुछ जो इन्फ्लुएंस चीज़ें करती हैं इसमें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, ठीक है, क्या वहाँ का आबा हुआ, ऑर्गेनिज्म वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, टोपोग्राफी कि उस इलाके की जो है टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट कौन कौन से पाए जाते हैं और वो जगह कैसी है, सरफेस सॉइल का कैसा है ये। अब सबसे पहली चीज़ है क्लाइमेट, आबो हुआ। तो मैक्रो क्लाइमेट ऑफ एन एरिया हैज़ अ प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल फ्लोरा ऑफ द एरिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो एक लार्ज अमाउंट जो नॉर्मली जो एक एवरेज क्लाइमेट रहता है एक एरिया का, वो एक एरिया का प्राइमरी इन्फ्लुएंस करता है वहाँ का ओवरऑल फ्लोरा उस एरिया का, यहाँ की यानी वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स वगैरह हो गए। फ्लोरा मेक्स द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेजिटेशन ऑफ द रीजन। तो यही फ्लोरा जो है ना वो ओवरऑल पैटर्न ऑफ द रीजन बनाता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म, तो ऑल द प्लांट जो है ना वो की ऑल तो जो है वो प्लांट जो है वो की कंपोनेंट है एक जगह के, लेकिन ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो है फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं इस प्लांट की डेवलपमेंट को, क्योंकि वहाँ देखा जाता है कि कौन से प्लांट्स जो है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा अगर ग्रेजिंग कर जाएं किसी प्लांट वेजिटेशन की, तो वो दोबारा वहाँ पे ग्रो नहीं करती, या फिर तो ये चीज़ वो डिपेंड होती है। कई फंजाई ऐसे होते हैं जो पैरासाइट वगैरह होते हैं, या फिर जो है वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्लांट रुक जाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है जी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी डिटरमिन करती है मूवमेंट ऑफ सरफेस एंड सॉइल वाटर। तो ये टोपोग्राफी की वजह से हमें ये डिसाइड होता है कि वहाँ का पानी वहाँ पे कितना है, कितना सॉइल वाटर है। इस वजह से जो वहाँ पे मॉइस्चर और जो न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह की जो है ना वो वेजिटेशन होगी। और ये होता है माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द एरिया एस्पेक्ट कॉल्ड एयर ड्रेनेज। के जो एक एयर वगैरह जो जो माइक्रो जो लो लेवल पे जो छोटे लेवल पे होते हैं, क्लाइमेट वहाँ का चेंज होता है, बारिश वगैरह वो डिपेंड करता है, वो दिखाता है। नेक्स्ट है सॉइल पेरेंट मटेरियल, कि वहाँ की सॉइल कैसी है, यानी वहाँ का सॉइल कहते हैं ना कि सैंडी है, या फिर उसका टेक्सचर सॉइल का जो होता है ना वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी ज़्यादा जो है ना वो लूमी सॉइल होती है, फिर जो है ना कुछ फर्टाइल सॉइल होती है इस तरह। तो सॉइल पेरेंट जो होता है ना ये प्राइमरी इन्फ्लुएंस करता है वहाँ पर मॉइस्चर और न्यूट्रेंट, कि अगर सॉइल मॉइस्चर है तो ज़ाहिर सी बात है वो एप्रोप्रिएट होगी, फिर वहाँ पर न्यूट्रेंट्स भी अगर मौजूद हैं तो प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे। टाइम भी डिपेंड करता है, टाइम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन इन अ रीजन। इट अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है ना एक रीजन की इफेक्ट। अब साइंटिस्ट ने डिवाइड किया जी अर्थ को वेरियस रीजन में वेजिटेशन की बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेनली बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक। तो ये मोस्टली क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक उस रीजन की जो है ना क्लाइमेट के लिहाज से दिया जाता है। वेल्थियर वेदर पैटर्न एंड सॉइल ऑफ दैट एरिया। अब वेदर पैटर्न के वहाँ का जो है ना माहौल कैसा है और वहाँ की
सॉइल कैसी है, यानी वेदर, यानी वहाँ की डे टू डे जो है ना चेंजेस कैसे होती हैं, क्या वेदर जो है ना कोल्ड होता है, हॉट होता है, ठीक है, ड्राई सीजन है, तो ये तो इसलिए 4 मेजर रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है फॉरेस्ट जंगलात, दूसरे पे है ग्रास लैंड जहाँ पे ग्रासेस वगैरह पाई जाती हैं, डेजर्ट वेजिटेशन और फिर टोंड्रा वेजिटेशन। तो ये सारे जो है ना वो 4 इसमें डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट ग्रास लैंड जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस हैं, डेजर्ट जहाँ पे सहरा है, ठीक है, और टोंड्रा वेजिटेशन है जहाँ पे सिर्फ जो है छोटी छोटी मोस्टली जो ग्रासेस वगैरह ही होती हैं, चंद ही प्लांट्स होते हैं। अब सिमिलरली पाकिस्तान में भी जो है ना वो जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी अगर देखा जाए तो ये रीजन आइडेंटिफाई करता है क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न और क्लाइमेट कंडीशन और एल्टीट्यूड, सॉइल टॉपोग्राफी ऑफ दैट एरिया। तो ये चीज़ें जो है ना इस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि वहाँ का वेदर क्या है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, एल्टीट्यूड क्या है, यानी वहाँ से जो इक्वेटर्स है वहाँ से वो किस तरह जो है अरेंज है, सॉइल वहाँ की कैसी है, टॉपोग्राफी वहाँ की कैसी है उस एरिया की, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। अब पाकिस्तान में अगर टाइप देखी जाए वेजिटेशन की, तो सबसे पहले नंबर पे है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड थॉर्नी वेजिटेशन। कि ड्राई ट्रॉपिकल के ऐसे रीजन जहाँ पे ड्राई खुश्क जो है ना वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल होते हैं मोस्टली जो ऊंची जगह होती है, एंड जैसे थोड़ी पंजाब वगैरह जैसे थोड़ी नॉर्मल हॉट, एंड थॉर्नी वेजिटेशन, थॉर्नी होती है जो कॉन्टू वाली वेजिटेशन होती है। दूसरी चीज़ है जी ड्राई सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस रिवेजिटेशन, ये जो होते हैं थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता, ये थोड़ा मैदानी इलाका होता है ड्राई ट्रॉपिकल, ये ड्राई सब ट्रॉपिकल है यानी इससे, और सब माउंटेनियस है, माउंटेन भी इसमें जो है ना आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी माउंटेन भी हैं वेजिटेशन। तीसरे नंबर पर आता है ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन, के टेम्परेट होता है दरमियाना, ठीक है, तो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है यहाँ पे। नंबर 4 पे है मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट वेजिटेशन, मॉइस्ट जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, ऊंची जगह जो काफ़ी है जहाँ पे बारिशें वगैरह भी ज़्यादा होती हैं, और नंबर 5 पे है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन स्क्रब वेजिटेशन। तो ये 5 पाकिस्तान में वेजिटेशन हैं, कि पहले नंबर पर ड्राई ट्रॉपिकल एंड थॉर्नी वेजिटेशन, दूसरे पर ड्राई सब ट्रॉपिकल, पहले ट्रॉपिकल पे सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, और फिर अल्पाइन एंड सब अल्पाइन। आप देखते हैं ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड थॉर्नी जो वेजिटेशन है वो किस तरह की होती है। तो पाकिस्तान में ट्रॉपिकल जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है मेनी पार्ट्स में, इसमें क्या किया जाता है कि ट्रू सेंस नॉट एग्जैक्टली ट्रॉपिक सेंस बिकॉज ड्राइनेस मोस्टली प्रिवेल इन दीज पार्ट एंड रेनफॉल इज वेरी स्केंटी। तो रेनफॉल कम होती है और जो ज्यादातर है वो ड्राइनेस ही प्रिवेल करती है, यहाँ पे डोमिनेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट अगर देखा जाए इन द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज अ नॉन एरिड क्लाइमेट, नॉन एरिड क्लाइमेट है इन विच ऑल 12 मंथ्स हैव मीन टेम्परेचर ऑफ वार्मर देन 18 सेल्सियस। क्या होता है कि इसमें तमाम जो है ना 12 के 12 मंथ ही टेम्परेचर जो है 18 सेल्सियस तक रहता है, वार्मर देन होता है 18 सेल्सियस, इससे ज़्यादा ही होता है यानी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है ना नॉर्मली फाउंड किए जाते हैं इक्वेटर 25 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, 25 नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में जो है ना मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा जाए तो 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड होता है, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस है कि ड्राईनेस यहाँ पे प्रिवेल करती है, तो वेजिटेशन भी करेक्टरिस्टिक जो होंगी इसी तरह की होंगी, रिलेम होगा जैसे इंडस प्लेन है, हिल्स ऑफ बलोचिस्तान यानी इधर कराची वाली साइड और बलोचिस्तान के साथ जो है ना ये, एंड कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल के साथ एरियाज हैं इन इन रीजन में इंक्लूड करते हैं मोस्टली जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक्स होते हैं जो बिल्कुल ड्राई जगह पे भी वेजिटेशन कर सकते हैं, जैसे कैक्टाई प्लांट वगैरह हैं, तो यहाँ पे जीरोफाइट्स होते हैं जिनको वेरी लेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, जो जिनकी अडाप्टेशन ऐसी होती है कि वो डेजर्ट में भी ग्रो कर जाते हैं और एरिड कंडीशन बिल्कुल ड्राई कंडीशन में भी कर जाते हैं। जीरोफाइट्स के पास क्या से वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इवॉल्व टू बेयर एंड सर्वाइव इन एक्सट्रीम, तो इसलिए क्योंकि ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो बेयर एक्सट्रीम बेयर में जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी, मॉइस्चर लेस और हार्श इन्वायरमेंट, सख्त इन्वायरमेंट भी और मॉइस्चर में भी, मॉइस्चर लेस में भी जहाँ पे नमी भी कम हो। तो ये प्लांट जो है ना जनरली डिपेंड करते हैं सॉइल वाटर पे, न्यूट्रेंट्स पे, जो रूट के थ्रू इनकी रूट जो होती है वो डीप सॉइल तक जाती है, ठीक है, रूट बहुत डीप जाती हैं जिसकी वजह से जो ना सॉइल के अंदर से वाटर वगैरह मिनरल वगैरह को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर हैं कि परमिट जीरोफाइट परमिट देम टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड इन सम केसेस टू स्टोर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये
पानी कंट्रोल करते हैं कि कम से कम लॉस करते हैं, और कुछ केसेस में बिल्कुल लॉस नहीं करते। तो लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड ऑफ दिस रीजन इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो ट्रैक है, लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड इन दिस वेजिटेशन रीजन इज ऑल्सो यूज फॉर, इस रीजन को एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाता है मोस्टली जो है वो। तो ये वी कैन ब्रॉडली डिवाइड द वेजिटेशन ऑफ द रीजन टू फॉलोइंग की कैटेगरीज। अब कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहले तो ये ड्राई लैंड हैं तो काफी, लेकिन इनको वेजिटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अब ड्राई ट्रॉपिकल अगर थॉर्न फॉरेस्ट देखे जाएं, यानी इंडस प्लेन एंड हिल्स में, कि इंडस के जो सात अपर और लोअर प्लेन्स हैं, मैदान हैं, उनमें और हिल्स में देखा जाए, तो दिस टाइप ऑफ थॉर्नी बुशेज, कि ऐसी बुशेज होती हैं, ऐसी झाड़ियाँ होती हैं जो कांटू वाली होती हैं, एंड फॉरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू इंडस प्लेन, प्लेन्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान और सिंध और पंजाब में पाए जाते हैं। अब मैनी रीजन जहाँ पे मैनी रेंजेस ऑफ स्मॉल हिल्स सेक्रेटेड है, जहाँ पे जो ना हिल्स वगैरह भी हैं, पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, जो इन इंडस बेसन इन पंजाब एंड सिंध में। अब ये हिल जो हैं, इनमें वैरायटी ऑफ थॉर्नी बुशेज और ट्री स्पीशीज हैं, इनको जो है ना, देर आर लो ओपन एंड प्रोनाउंसली ज़ेरोफाइटिक फॉरेस्ट, इनको ज़ेरोफाइटिक फॉरेस्ट भी कहते हैं। थॉर्नी लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस होती हैं जो दालों वाली स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो दालों वाले प्लांट्स होते हैं, स्पीशीज प्रीडोमिनेट, तो वो प्रीडोमिनेट करते हैं। तो ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडस बेसन, जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट है, वो मेजर जो इसमें स्पीशीज हैं उसमें इंक्लूड है जंट, ठीक है, ये जो बेरी वगैरह है, कैरियर, फिर जो है ना बेर, बैर है, फ्रेश है, पीलू का पौधा है, ठीक है, जो इसके मिसवाके वगैरह भी लोग खाते हैं, बबूल गम अरेबिक ट्री, ये बबूल भी जो है ना मिसवाक वगैरह लोग करने के लिए यूज करते हैं, किकर है, सुख चेन है, ठीक है, और साल्ट सीडर है। तो ये सारे, इनके आगे बोटेनिकल नेम भी दिए गए हैं, डिसीरियस वगैरह, मेट्रिफिश वगैरह। तो आप इनके नेम वगैरह याद करने के, जो डोमिनेंट है वो कहाँ है, थॉर्नी वगैरह, जो बैर है आप इसके साथ कांटे होते हैं, जंट के साथ कांटे होते हैं। तो ये श्रब्स में अगर देखा जाए तो ऑल साइज की जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। ट्री जो है ना, फॉरेस्ट क्लाइमैक्स इज वेरी, क्लाइमैक्स होता है जो आखिर वाली, अरूज वाली जो होती है ना एक जगह पे कम्युनिटी, इसमें यूफोर्बिया है, जैसे थॉर है, ठीक है, थॉर का पौधा, फिर जी फाइस जिसे बैर भी कहते हैं, ये जो है ना ग्रेजिंग और कुछ जो है ना हैवी इंसिडेंट्स ऑफ ग्रेजिंग एंड अदर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमैक्स वेजिटेशन, होल इंडस जो पैनल है उसको रीजन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, गुजरात, झेलम वगैरह में जो है ना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे एक मजे की चीज लिखी है, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, कि जब यहाँ पे शहर वगैरह या एग्रीकल्चर और इरिगेशन एक्सटेंड नहीं हुई थी फ्रॉम द फूट हिल्स, हिमालयाज एंड लो हिल्स इन द साउथ वेस्ट पंजाब, तो ये सारी चीज जो है वो पाई जाती थी वेजिटेशन। तो क्लाइमैक्स स्पीशीज जो होती है ना ऑफ दिस रीजन, उसमें जो है ना सल्वोड्रिया, फिर जो है ना कैप्रिस, टैमरिक्स, प्रोस्पिस जो है ना वो फॉरेस्ट वगैरह देखे जाते हैं। इसमें हैवी जो है ना वो ले, अगर इसकी सॉइल की बात करें यहाँ की, तो ये ऐसी सॉइल है, सॉइल टेक्सचर अगर देखा जाए तो फ्लैट है, डीप एलुवियल सॉइल है, ठीक है, हैवी क्लेज है, लोम्स है और सैंडी लोम है, यहाँ पर रेत वगैरह जो है रेतली जमीन ज्यादा है। तो सेमी एरिड है, कि रेन जो है वो 70 जो है ना सेमी एरिड है, यानी दरमियानी सी है। समर में जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस तक जाता है, यानी इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि ड्राई लैंड है तो ऑटोमेटिकली वो गर्म ही होगी। इस तरह जो है ना, ये था जो पहला नंबर के जो ट्रॉपिकल की जो ड्राई फॉरेस्ट है। अब दूसरे नंबर है जी, वेजिटेशन ऑफ रिवरेन ट्रैक एंड इंडस डेल्टा, कि जो रिवरेन ट्रैक है और डेल्टा के साथ जो रेन होती है, जो वेजिटेशन होती है, तो ये वेजिटेशन प्रेजेंट है अराउंड द रिवर इज कॉल्ड रिवरेन ट्रैक, कि जो रिवर के अराउंड पास होती है उसको कहते हैं रिवरेन, रिवर से ही निकला है, ठीक है, रिवरेन ट्रैक। इस एरिया में सबसे ज्यादा वो कहता है कि मोनजा मोनजा आता है, फिर पहान है, इसमें जो है ना सैक्रम मोनजा इस ग्रास है। अब ये एक ग्रास है जो बैंक ऑफ रिवर ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनके साइडों के साथ जो होती है, ये बिलोंग करता है ग्रैमनी फैमिली के साथ, जो ग्रासेस फैमिली है उसके साथ। इनका फ्लावर मोस्टली जो है ना हाइट में देखा जाए तो ये 2 मीटर टू 7, यानी 7 फीट होता है हाइट में। वाइट फ्लावर होते हैं जो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, जो घरों में मोस्टली लगाए जाते हैं, कहते हैं मटेरियल फॉर दैट टचिंग रूफ्स, इट इज यूज टू फॉर मेकिंग बास्केट, द प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू भी है और बास्केट वगैरह में भी लगाया जाता है घरों में। ये ट्रैक जो है ना रिवर का होता है, इंटर करता है सी, इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा जो है ना सी, ये जो
रिवर वाला ट्रैक है, ये सी में इंटर होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा जो इंडस का है वो फॉरेस्ट है मैनग्रूव, इसमें मैनग्रूव्स हैं जो है। फॉरेस्ट जो अक्र होता है एलिवेशन ऑफ 20 फीट के, 0 to 20 फीट जो है एट सी लेवल, ये जो है ना ग्रीगेरियस फॉरेस्ट है यहाँ पे मोस्टली जो है ना अरेबियन सी अराउंड द कोस्ट और ग्वादर कोस्ट के साथ जो है ना इस तरह के जो प्लांट्स जो रिवरियन ट्री ट्रैक में पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का फ्लोरा जो है ना, इसमें आप कुछ प्लांट्स के नाम देख लेते हैं जिसमें इंडियन ग्रूव है, मैन ग्रूव है ठीक है, जिसको राइजोफोरा कहा जाता है, फिर इंडियन ग्रूव है और एंड ब्लैक मैन ग्रूव है, देन सी हॉली है। तो ये जो है ना कुछ इस तरह के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं जिनके इधर लोकल नेम नहीं लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आर द वेजिटेशन ऑफ द ऑफ डेजर्ट एंड सैंडी ट्रैक। तो डेजर्ट वगैरह का और सैंडी ट्रैक का जो वेजिटेशन है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो बिल्कुल ही ड्राई रीजन में पाया जाता है, जो एयर लैंड में पाया जाता है, वो क्या था, ट्रॉपिकल था, यानी वहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह भी मुयसर था, एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी थी। अब इसमें देखिए जो अगर डेजर्ट में या जो सैंडी ट्रैक है उसमें, तो डेजर्ट वाले एरिया में आप देखेंगे कि सैंडी ट्रैक है एक, तो वहाँ अब जो है ना डेजर्ट का जिक्र किया गया, थार चुलिस्तान, नारा, फिर जो है ना वो थार पार्क, ये जो है ना आपके डेजर्ट की जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल सिर्फ 6 to 12 inches होती है, इसलिए जो है ना वही प्लांट्स ग्रो करते हैं जो बिल्कुल जीरो फाइटिक होते हैं। अब एस्केशिया और यूफोर्बिया जो है ना यहाँ पे ये इस रीजन के प्लांट्स हैं। डेजर्ट में क्या होता है कि हार्श कंडीशंस होती हैं और अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट होता है, कि ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे पानी यसर होना बहुत मुश्किल है, तो ये प्लांट के लिए तो हजर्ट्स है और एनिमल के लिए। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, क्योंकि वाइडली स्ट्रिंग करता है एक्सट्रीमली इन डेजर्ट क्लाइमेट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वाटर स्कार्स ही होता है, स्कार्स होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और डेजर्ट एज मच एज इन इलेप्स बिटवीन रेनफॉल, और रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो शेड भी नहीं होती, इसलिए कोई बहुत जो है ना वो लिटिल ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी वगैरह बहुत कम होती है ज़मीन में, ज़मीन ड्राई होती है मोस्टली, इसलिए जो है ना डेजर्ट प्लांट वराइटी वॉज कोप विद एक्सट्रीम कंडीशन एंड सर्वाइव वेयर अदर प्लांट्स के ना, तो वहाँ वही प्लांट्स होते हैं जो अदर कंडीशन में नहीं जो है ना वो सर्वाइव कर सकते। डेजर्ट में मोस्टली जो है ना वो कैक्टाई या कैक्टस का प्लांट होता है। वेजिटेशन ऑफ एरीगेटेड प्लांटेशन। अब एरीगेटेड प्लांटेशन जहाँ पे पानी वगैरह है, जहाँ पे पूरा जो है ना कनाल सिस्टम है कि पानी वहाँ पे नालियों के थ्रू पहुँचता है, इंडस पेरिनसुला रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये एरिया जो होता है ना इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है और ये ना क्लियर्ड है एंड इट लैंड इज नाउ यूज फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है क्योंकि एरीगेटेड है, वहाँ पे पानी प्रॉपर जो है ना वो आबपाशी का निज़ाम है। दूसरे नंबर पे जी ड्राई सब ट्रॉपिकल। अब पहले हमने ट्रॉपिकल पढ़े थे और अब जो है ना हमने अपना है सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस वेजिटेशन। ये जो वेजिटेशन है ये अक्कर होती है, इन द कंटेन करती है, इसमें बुशेज है, ट्रीज है और श्रब्स हैं, यानी प्रॉपर जो है ना झाड़ियाँ भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं और दरख्त भी हैं, तो बहुत एवरग्रीन प्लांट भी इसमें पाए जाते हैं और डिसीडियस भी। डिसीडियस होते हैं जिनके लीव जो है ना वो गिर जाते हैं, और एवरग्रीन होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं ठीक है। एवरग्रीन जो है ना वो नॉट एज हार्ड एज द पाइनस एंड स्पार्स, यानी यहाँ पे चीड़ का जैसे पौधा इस तरह के हार्ड एवरग्रीन नहीं होते हैं। दिस प्लांट्स हैव अडॉप्टेड, ये रेगुलर कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं इस रीजन की, इनमें कोई एक्सटेंसिवली पाकिस्तान में ये लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे रावलपिंडी की फुटहिल में कैरिंग वेजिटेशन ऑफ दिस टाइप एडवर्स इफेक्ट बाय क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैबिटेशन और कल्टीवेशन, तो ये कल्टीवेशन या हैबिटेशन के लिए थोड़ा उस वजह से इफेक्ट होते हैं। क्लोजली सिमिलर बोथ इन फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन एंड इन स्टॉक स्ट्रक्चर टू दैट डिवेल्प फ्रीली इन एडजोइनिंग पार्ट ऑफ, इस तरह इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के और इंडिया के साथ जुड़े वहाँ पे भी इस तरह के होते हैं। चीफ थ्री स्पीशीज जो है यहाँ पे इनमें लेनिया, फिर बॉम्बैक्स सीपिया जिसको सिम्बल कहते हैं ठीक है, यानी कमलाई, केम्बल केम्बल जिसको कहते हैं और सिम्बल कहते हैं, फिर ठीक है फिर आप जो है कांगू, कॉकुआ, फिर कैमिलिया, राइनुनी, कैथ, ये जो है ना कुछ कॉमन जो है ना वो प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। अगर श्रब्स में देखा जाए तो इसमें जो है ना अद्वुतता, फिर जिसमें जो है ना बैंकर है, बस्तुती है, बंसा है ठीक है, फिर पटोकी, फिर खट्टी जिन्हें कैंथाई, डिफरेंट जो इंडिजिनियस नेम है, जो कॉमन नेम है जो लोग पुकारते हैं वहाँ पे, तो एवरेज रेनफॉल वहाँ यहाँ पे जो है ना 12 to 30 inches होती है। अब ये जो है ना समर में यहाँ जो है ना मोर देन 40 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, अब जो इससे ऊपर वाले थे वो डेजर्ट वाले उसमें 50 से जो है ना वो मोस्टली जाता था। ओवरऑल ह्यूमिडिटी जो है वो लेस देन 50 है, हिमालयाज वगैरह की वो बात कर रहे हैं।
तो इस रीजन में जो वेजिटेशन है ऑफ सिवलिक ऑफ साइवेलिक हिल्स, कि साइवेलिक हिल्स में जो है पठार प्लेटो है, साल्ट रेंज है, काला चिट्टा रेंज है, जो है कैरी मोरत रेंज है, कोथा हिल्स हैं, ये सारे जो है इनमें इस तरह की वेजिटेशन होती है। केपी की है, स्मॉल लीफ जो है एवरग्रीन स्पीशीज होती है। स्मॉल लीफ जो होती है ना वो इसी तरह की कंडीशन में होती है जहाँ पानी वगैरह कम ट्रांसपरेशन हो, जिसमें कोव का जिक्र है, प्लाई है, ठीक है, कोव का पौधा है जिसमें सुहागे भी लोग यूज करते हैं, प्लाई वुड भी है, इस तरह के जो है ना ये प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। वेजिटेशन ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो, बलोचिस्तान के दूसरे प्लेटो में जो है ना सब ट्रॉपिकल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ बलोचिस्तान की या टोपोग्राफी है, इस एरिया की जो डिस्ट्रीब्यूटी है वो एलिवेटेड हिल्स है, सैंड ड्यून्स है, कोस्टल लो लाइंग हिल्स ऑफ बलोचिस्तान है। ये मोस्टली जीरो फाइटिक प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन में भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तीसरे नंबर पर जी ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, के ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर देखा जाए तो ये रीजन हार्श होता है, अनफेवरेबल होता है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट है जिसमें लेस नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं क्योंकि ड्राई है। तो मोस्ट ऑफ दिस एरिया हैज़ बेयर सॉइल, क्योंकि इस एरिया में मोस्टली जो है वो बेयर सॉइल होती है, ठीक है। मोस्टली जीरो फाइटिक प्लांट्स इसमें होते हैं। ये इस प्लांट में जो है सुलेमान रेंज, कोसफेद, पहाड़ों वगैरह का जिक्र है, ठीक है, कराकरम रेंज और लोअर पार्ट ऑफ नीलम वैली जिन्हें आजाद कश्मीर में। इस रीजन में लॉन्ग कोल्ड विंटर होता है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो लोअर देन जीरो हो जाता है, तो इसलिए माइनस में चला जाता है, तो रेन भी जो है ना वो इज लेस देन 30 इंचज होती है। तो सम ऑफ द एरियाज आर कवर्ड बाय स्नो, कुछ एरियाज पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्नो छाई रहती है, पड़ी रहती है जो विंटर के सीजन में, इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो दीज आर ओपन एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे कुछ जो है ना वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन, यानी ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं कॉनिफेरस प्लांट जो कॉन जिनके ऊपर लगती है, ठीक है, तो ये जो ना कुछ प्लांट्स होते हैं, बाकी जो है ना वो क्योंकि मोस्टली जो ना ड्राई जोन, डियोडार, चलगोजा वगैरह जो ना पाइनस वगैरह जो ना इसमें पाए जाते हैं, चीड़ वगैरह के जो ना बड़े बड़े दरख्त। नेक्स्ट मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो है एवरग्रीन को कहते हैं कॉनिफर फर्ज होते हैं जो कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी जिसमें चिलगोजा वगैरह आते हैं, ये मोस्टली दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं, डिसीडियस प्लांट्स भी हैं और एवरग्रीन प्लांट्स भी हैं, यानी ऐसे भी हैं जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते और ऐसे भी हैं जिनके पत्ते हर सीजन गिरते हैं। इस फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया आगे लोअर और अपर जोन में, जिसमें डेफिनेट स्पीशीज आती हैं जी। स्पीशीज आप क्या है, जो देवदार है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है सेड्रस डियोडारा का, इस तरह पाइनस वेलशियन है ना, चीड़ का जो पौधा होता है, एबिस पिंड्रो जो पट्राल पार्टल, और मेन जो है ना कॉनिफर प्लांट्स हैं जहाँ पे जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी अल्पाइन एंड सब अल्पाइन वेजिटेशन। अगर अल्पाइन और सब अल्पाइन वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनके ब्रॉड लीव्स होंगे, यानी उनके लीव्स अब प्रॉपर जो है ना वो जैसे मोस्टली सही से जो है ना वो अब डेवलप लीव्स हैं, और ये कैनोपी भी विंडो ओपन कैनोपी, इतनी ऊपर जो है ना ऊंचे प्लांट नहीं होते जितनी वो कैनोपी जिस तरह नहीं बनाते, कैनोपी होती है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, तो वो इतना नहीं होते, इनके अंडर ग्रोथ होती है विलो बेड थ्रू आउट हिमालय रीजन जो है ना ये पाए जाते हैं, टिम्बर भी होते हैं इनमें, देन जो है ना वो सेकेंडरी बर्न एरियाज, बर्न एरियाज वगैरह जो अबेंडन लैंड जो जमीनें लोग छोड़ देते हैं काश्त करने से, वहाँ भी जो है ना पाई जाती है, सेंट्रल हिमालय वगैरह में, यानी कश्मीर के साथ गिलगित चित्राल वगैरह रीजन में पाई जाती है, कोगान वगैरह में। इनमें जो है ना स्क्रब इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल इसकी है जी ड्योसाई प्लान, और फिर जो है ना रोलिंग ट्री लेस प्लेन्स, ग्रासेज वगैरह जो है ना इसमें पाई जाती हैं, बर्बरस यानी सुंबल का पौधा, फिर फुट, इस तरह के जो है ना वो पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, स्मानिया वगैरह, ये इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पे होती है। तो ये डिफरेंट रीजन फिर जो है ना बताए भी गए कि अल्पाइन का रीजन कौन सा है, ठीक है, देन जो है ना ड्राई सब देखें प्रॉपर उसको ग्रीन कलर दिया गया है, ये कि ये ड्राई एरिया है ये जो है, ठीक है, डेजर्ट एरिया वगैरह, देन ये अल्पाइन है, ठीक है, ये वाले जो हैं, ये फिर जो मॉइस्ट हैं जो ये देखें जहाँ पे नमी वगैरह भी है, फिर ड्राई टेम्परेट में देखें ये ज़्यादा जो क्या है ये बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई टेम्परेट में, देन ड्राई ट्रॉपिकल में देखें, ड्राई ट्रॉपिकल में ये सारा एरिया है, ठीक है, सिंध 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 वाला, और डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है जैसे जम्मू एंड कश्मीर की है वो ये, ठीक है, तो ये सारा वेजिटेशन का चक्कर था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन दिए गए, व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में नेचुरल वेजिटेशन, पहले तो नेचुरल वेजिटेशन की आपने डेफिनेशन देनी है कि वो होती क्या है, कि जो कुदरती तौर पर, फिर आपने बताना है कि पाकिस्तान में किस तरह के हैं प्लांट जो है ना, वो फॉरेस्ट वगैरह हैं, फिर वेजिटेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, व्हाट आर द मेन फैक्टर डिटरमिनिंग वेजिटेशन कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये फिर वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का जो है ना रेनफॉल, देन वहाँ के भी टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म वगैरह, सॉइल कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में वेजिटेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये आपने जो है जो जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, लिंक शेयर ऑफ द चैनल टू अदर्स एंड योर फ्रेंड्स योर फैमिली ऑल्सो, राइट इन कॉमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी सजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी, अल्लाह हाफिज़।